नमस्कार दोस्तों, मैं तालिबे लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे घड़ी के बारे में, कि कैसी घड़ी आप पहनते हैं तो आपके साथ कैसे सिम्टम्स आते हैं, या क्या आपकी लाइफ में चेंज आता है, घड़ी आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। दोस्तों, वॉच जो है वो शुरू से ही इंसान का एक शौक रहा है, घड़ी लगाना, घड़ी पहनना। जैसे मैंने भी अभी ये एप्पल वॉच पहन रखी है। इससे पहले मैं एक और घड़ी पहनता था जिसे वो चाबी दे के चलाई जाती थी, जिसकी चाबी होती थी। घड़ी असल में बुद्ध की आइटम है। घड़ी जो या तो बहुत कॉस्टली घड़ियां हैं या पुरानी घड़ियां जो होती थी उनको चाबी देनी पड़ती थी। रोज सुबह उसका टाइम सेट करना पड़ता था, उसको थोड़ा और ज्यादा उसको चाबी देते थे। तो घड़ी जो है वो बुध है, घड़ी का दायरा या डायल जो है वो बुध है। घड़ी की जो चाबी देते थे, जो चाबी थी घड़ी की, वो चाबी होती है राहु। और जो घड़ी का कुत्ता यानी कि घड़ी का सेंटर पॉइंट जिसके ऊपर उसकी दोनों दोनों सुइयां घूमती हैं उसे घड़ी का कुत्ता बोलते हैं। कुत्ता होता है साइकिल के भी, साइकिल में भी कुत्ता होता है सेंटर में, यानी पिस्टन, जिस पिस्टन रॉड जिसे आप कहते हो उसको कुत्ता बोलते हैं पंजाबी में, पंजाबी स्लैंग है ये। इसलिए जो सेंटर पॉइंट घड़ी का जिसपे कांटे घूमते हैं वो कुत्ता जो है वो होता है केतु। तो घड़ी में बुध, राहु और केतु, ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। घड़ी जब आप अपने हाथ पे घड़ी बांध लेते हो तो वो आपके बुध को रिप्रेजेंट करती है। और घड़ी पे टाइम देखते रहना वो ये एक नेचुरल जो है वो स्वभाव है इंसान का। लेकिन घड़ी कैसी होनी चाहिए इन जनरल, अगर आपकी लाइफ में टाइम अच्छा चल रहा है और आप एक जेन्युइन वे में ग्रो कर रहे हैं, या एक न्यूट्रल लाइफ चल रही है जिसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो आपको हमेशा घड़ी वो लेनी चाहिए जिसके अंदर का डायल जो है वो वाइट कलर में या क्रीम कलर में या गोल्डन कलर में हो। इसमें भी फर्दर स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन जो लाइट कलर में घड़ी का डायल होगा, वाइट है या क्रीम है या गोल्डन है या सिल्वर है, तो वो डायल वाली घड़ी जो है वो आपकी लाइफ को स्मूथ ही रखेगी। लेकिन जब आप अपनी घड़ी का डायल जो है वो गोल, चाबी वाली घड़ी की बात कर रहा हूं, वो डायल अगर आप ब्लैक ले लेते हैं या ब्लू ले लेते हैं तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। जिसका अंदरूनी डायल ब्लैक या ब्लू हो, ब्लू डायल अगर है अंदर से, तो वही घड़ी आपको मेंटल स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा देना शुरू कर देगी। एक स्मूथ चलती चलती लाइफ भी कहीं ना कहीं पे आपको स्ट्रेसफुल फील होनी शुरू हो जाएगी। फालतू चीजों की स्ट्रेस आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि कंफ्यूजन की स्टेट जो आपके दिमाग में कैसे बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद अगर ब्लैक डायल है तो आपको वो सारी स्ट्रेस जो है वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपकी जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रेस, ओवरलोड, वर्कलोड जो है, और उसके जो आउटकम आना है बिजनेस से या जॉब से, वो आने में कमियां आपको देखने को महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए डायल जो है वो वाइट या क्रीम ही रखें। उसके बाद आती है बात घड़ी के स्ट्रैप की। जब आप एक लेदर स्ट्रैप की घड़ी पहनना शुरू कर देते हैं तो लेदर स्ट्रैप की घड़ी पहनने के बाद कहीं ना कहीं, चाहे उसका डायल कोई भी हो, तो लेदर स्ट्रैप होने की वजह से वो आपके पैसे कहीं ना कहीं उधार या स्टक जरूर कर देगी। और आपको जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टाइटनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों के ज्यादातर पैसे डॉक्यूमेंट्स में ही होते हैं और जेब में तकरीबन जरूरत के पैसे भी नहीं देखने को मिलते। लेकिन जब आपका बुध जो है वो कुंडली में अगर परेशान चल रहा है या अच्छा भी अगर चल रहा है, उस वक्त अगर आपको एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट चाहिए बुध के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी पहनना शुरू करें। जब आप एक मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी पहनना शुरू करते हैं और अगर उसमें राइज करना है तो उसका डायल जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर डायल हो, उसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो वाइटनेस में हो
और मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी हो, तो इस घड़ी के चलते आपकी लाइफ में चीजों को जो है वो देखने का नजरिया चेंज होगा, आपकी लाइफ में स्मूथनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा और आप एक न्यूट्रल स्टेज पर जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो किसी बार किसी दिन हम लाइव वीडियो में एक लंबे तौर पर एक लंबी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हमने कल किया था चंद्रमा के रिगार्डिंग, तो उसमें लाइव क्वेश्चन आंसर्स तो चलो होते ही हैं, लेकिन ये बेसिक टिप्स जो हैं वो मैंने आप सबको शेयर करी हैं ताकि आप एक घड़ी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ रख सकते हैं, आप उसको इंजॉय कर सकें और अपने लव्ड वंस को शेयर कर सकें। बीइंग अ फैमिली एस्ट्रोलॉजर, मेरे सभी क्लाइंट्स को भी यही जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी घड़ियों का ध्यान रखें और घड़ियाँ अपने घर में बंद ना रहने दें, चालू हालत में रहें। तो इन्हीं टिप्स के साथ आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9872372201। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।